उधर दूसरी ओर कांग्रेस मुख्यालय तलक पुस्तकालय में भी रक्षाबंधन के अवसर पर महिला कार्यकर्ताओं ने अपने भाइयों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधा। जिला कांग्रेस मुख्यालय तलक पुस्तकालय में भी रक्षाबंधन के अवसर पर महिला नेत्रियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाइयों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विजय खां समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। रक्षाबंधन कार्यक्रम सवेरे से की जा रही है, जिसमें हमारे जिला के सारे पदाधिकारीगण, हमारी बहनें आ रही हैं जिला कांग्रेस कमेटी में और कार्यालय में, और इस कार्यालय में आकर के रक्षाबंधन कार्यक्रम हमारी बहनें हम लोग को, सारे पदाधिकारियों को रक्षाबंधन रक्षा सूत्र बांध रही है। नई उड़ान संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने MTMH जाकर कैंसर पीड़ित मरीजों को राखी बांधकर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। नई उड़ान संस्था द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने मेहर भाई टाटा मेमोरियल अस्पताल जाकर वहां इलाजरत कैंसर पीड़ित मरीजों के बीच कुछ पल बिताया एवं उनकी कलाइयों में राखी बांधकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसे होना से हम लोग झारखंडवासियों के लिए बहुत खुशी के दिन आया। जैसे राखी पूर्णिमा के दिन बहन लोग का अस्पताल में राखी बंधन किया और मिठाई हम लोग खिलाए। अफसोस की बात है, हम लोग को पेशेंट है, बहन लोग कुछ अपना उपहार देने नहीं सकते, वही दुख के खेत यही दिल में रह गया मेरा। उड़ान टीम को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ, और आज मुझे सचमुच लगा कि दुनिया में एक नहीं हजारों हजार भाई, अगर हाथे फैला कर देखा जाए तो भाई की कमी नहीं है। आज इनका रक्षा बांध कर मुझे इतनी खुशी, उनके चेहरे पर मुस्कान देकर नई उनकी टीम को देती हूँ। भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से बकायेदारों के लिए शनिवार को टेलीफोन अदालत लगाई गई। टेलीफोन अदालत लगाने के पीछे कारण था कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे BSNL उपभोक्ता हैं जिनका बिल काफी समय से बकाया है। BSNL की ओर से उन्हें अपना बकाया चुकता करने का अंतिम मौका है और इसके तहत उपभोक्ताओं को 10 से 50% तक की छूट भी दी जा रही है। इसके बाद ऐसे बकायेदारों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। BSNL के महाप्रबंधक BN सिंह खुद अदालत में उपभोक्ताओं से बातचीत कर निष्पादन का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है 10% से लेकर 50% तक रिबेट दे रहे हैं, तो किसका जिस कैटेगरी में पड़ता है। अभी काफी आदमी लोग आगे करीब चले गए और अपना जो सेटल कराए हैं, लेकिन वो कस्टमर जो कि खास के PCO वाले जो कि हमारे BSNL का पैसा जो लेकर रखे हुए और नहीं आते अदालत में, चाहे मेरा टेलीफोन अदालत हो या हम लोग का जो है लोक अदालत भी लगता है महीना का हर में, अभी मेगा लोक अदालत चल रहा है, तो अगर नहीं करेंगे तो बाद में उनको जो सर्टिफिकेट केस किया जाएगा, और सर्टिफिकेट केस जब करेंगे तो अननेसेसरी जो उनको अदालत का चक्कर लगाना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो है 2-3 आदमी के ऊपर जो है हम लोग जो है सर्टिफिकेट केस किए हैं, उसके बाद भी नहीं जमा किए तो फिर उन पर जो है वारंट इशू हो गया है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कार्य के दौरान घायल मजदूर की मौत के बाद ग्रामीणों ने ठेकेदार से मुआवजे की मांग की है। ईदगाह मैदान के पास ठेकेदार जिया उल हक के यहाँ मजदूरी करने वाले अर्जुन किस्को का इलाज के क्रम में TMH में मौत हो गई। वो शुक्रवार को काम के दौरान दीवार ढहने से घायल हो गया था। रमेश हाजदा के नेतृत्व में कामगारों ने मुआवजे की मांग की है। अर्जुन किस्को उम्र 22 साल काम करता था, लेकिन आज इन लोगों को फोन करके बताया गया कि आपका लड़का घायल है, आप TMH चले गए। तो यहाँ दौड़े दौड़ाया तो देखा यहाँ मृत पाया था, और मामला अभी तक उसको ठेकेदार को बुला रहे हैं तो ठेकेदार अभी भाग गया। क्या नाम है ठेकेदार? जियाउल हक कोई है, जियाउल कोई है। तो बार बार उसको आग्रह कर दिया कि बात कर लिया जाए, बात कर लिया जाए, लेकिन वो भाग रहा है। संदेह है कि क्या है मामला, उस पर हम लोग मांग करते प्रशासन से कि इस मामले की जांच किया जाए और दूध का दूध पानी किया।